कि जगह भी हमारी और अग भी हमारा, वो बेचा किसने, वो बेचा किसने, ये क्यों बीच में आ रहा है। मसला ये था कि जो मेरे पहले शौहर थे वो जो है वो मारते पीटते बहुत थे मुझे, और घर वालों से भी मिलने नहीं देते थे, किसी के अपने रिलेटिव्स के घर भी जाने नहीं देते थे कि घर में ही रहो, किसी से भी नहीं मिलना, शक भी बहुत ज़्यादा करते थे। इस वजह से मैंने तलाक ले ली उनसे। हमने जो मीटर का बिल लगवाया, हमने यूज़ करा, फिर मीटर उतर गया, बिल आ रहा था, हमने ऊपर दरख्वास्त दिलवाया तो भाई हमारे मीटर बंद कर दे, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ये ट्रांसफार्मर नहीं है। इसने बोला तुम बिल क्लियर कर दे, आपका मीटर बंद हो जाएगा। मकसद ये, अभी हमारे जो हम पानी पीने के लिए हमारे यहाँ से 1600 फुट दूर से मोटरें वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ से पानी हम लेते हैं। दो मरतबा एक वाटर सप्लाई हमारी इधर मंजूर हुई, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते। पीने का पानी नहीं। ये मंदिर हमारे पास हालांकि देखे जाएगा तो और भी तो हमारी माइनॉरिटी है, जो बड़े बड़े डिब्बे हैं उनके जो मंदिर बन रहे हैं, जो करोड़ों के तादाद में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये हमारी बागड़ी कम्युनिटी, पहले यहाँ तो कबूतर के खुद थे, तो हमने भी सोचा हमारा भी हक इबादत करने के लिए, तो मंदिर की स्कीम ली, तो टेंडर उन्होंने दिया, तो हमारे टेंडर में लिखा पड़ा 11 महीने के बाद ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। आज 11 महीना तो गुजर गया, 4 साल गुजर गया, वही काम पड़ा है। 2-3 साल के बाद 7 लाख रुपये का बिल आ गया। तो आज पुत्र जी ऑपरेशन थी ही, मुझे पुत्र जी पैसा ना हुआ, आप मजबूरी हुई, कोई नहीं, मैं ये परेशानी थे से ना सरकारी ना बस सरकारी में ना वेंदा, सरकारी में बहुत ही आ चंदा हूँ मुझ हे मालकी न थी थे बाबा, हे थी वेंदो इन जे करे सरकारी में न था वेंदो। एकड़ी मुझी नंढड़ी हुई इनके सरकारी में खणी व्या, यो गुजारे भी दवा खाधी फटकड़ी, पर इनके खणी वन पे सरकार में नंढड़ी हुई 2 साल जी हुई ना इ को हालू चालू गोठ वारे जो दायु थिंदी वन उनन के वठी दा हूं इमरजेंसी जे का इंसान मर भी जावे। मसला ये है कि हमारी जो शादियां होती है ना, उसके लिए खाना पचाने के लिए जो बर्तन है ना, वो भी हमारे को मुश्किल मिल रही है सिटी में। हाँ, वो भी कभी हमारे मृत्यु हो जाते हैं, कभी खुशी कभी गमी, वो भी नहीं मिलते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं तुम घटिया जात के बंदे हो, तुम बागड़ी कम्युनिटी से वाबस्ता है। हालांकि दुनिया के लोग हमें के जो लिखने वाले हैं लेखक है, वो कहते हैं तो तुम तो इस धरती के धनी हो। हमारा 100 लोग है, उन्हीं को पीछे बड़े मंदिर है, असल है मंदिर है, तो न पखा है न फर्श है न छामरा है। होली अचे थी, दियारी अचे थी, असा खुशी कयूं था। हाँ तुम दिसो तो मंदिर पानी जो बो कान है न टांकी आ, गरीब को मान लोग अचे कूलर हुए पानी हुए थदो तो पियन तो सही न, लेटरिन हुए न, छावरो आते मंदिर में न मूर्ति आ। कितने हमारे बंदे मर जाते हैं, हमारे लिए कब्रिस्तान के लिए एक इंच भी नहीं है। हजारों 16,000 कबीला यहाँ लाड़काने में रह रहे हैं, तो हमारे कब्रिस्तान के लिए दफनाने के लिए एक इंच भी नहीं है। तो हम मजबूरन हमारे बड़े जो भी हैं वसीयत करके जाते हैं, कोई कहते हैं हमारे को दफनायो, कोई कहते हैं हमारे को अग्नि संस्कार करना है, कोई कहते हैं हमारे को जल आतरण करना है। तो इस वसीयत के मजबूरन हम जो जलाते हैं दफनाते हैं उन्हों को भी तो हम सिंधु दरिया में अर्पण करते हैं। सर कुछ वकीलों को देते हैं, कुछ जाते हैं कोर्टों में, कुछ दो दो रुपए 100-100, 200-200 लेते हैं जो वो उनको देते हैं सर, फिर वो आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं जाते हैं, एक धंधा नहीं है गरीब लोगों को। अभी जो गरीब कहाँ से लावे, हम भी इंसान हैं, हमारा भी हक है, हमारे लिए भी एजुकेशन हक है, हमारे लिए हेल्थ हक है, हमारे लिए भी इबादतें हक है। ये हमारे से क्यों ज्यादती की जाती है, क्यों हम पाकिस्तानी नहीं है, क्यों हम धरती से वाबस्ता नहीं है। बस मसला ये गुर्बत है,
वसे तो कोने जाए कौन ठाए सकन तो पांजी नथा ठाए सकन तो मंदिर किथा ठासा हम आप चाहता मंदिर ठे छाव थे मूर्ति आवे पानी मिठो आवे। ये लीगल एड सोसाइटी वालों ने बहुत हेल्प की, आते हैं हमदर्दी करते हैं हमारे से। मेरा तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा, बहुत हेल्प की। अलाडिनो साहब थे उस वक्त, उन्होंने बहुत हेल्प की। कोई ज़्यादा मुझे रुकना भी नहीं पड़ता था उधर, ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ता था और जल्दी फारिग हो के मैं आ जाती थी पेशी से। इसमें हमारे पास एक रुपया नहीं लेते हैं न किसी को लेने देते हैं। माएँ जितनी भी परेशान हैं वो परेशान नहीं हों, बल्कि उठें अपने बच्चों के लिए, डरे नहीं कि हमारे लिए लीगल एड सोसाइटी जो कि हमारे लिए हायर किए गई है गरीबों के लिए, तो उनसे रابطہ करें। पता पड़ा किसी ने हमारे को बोला था, जान यार दोस्तों ने, को कोई मसला मिसाल हुए, कोई बार बच्चों में, कोई ज़मीन का है, कोई मीटर का है, कोई सुनना नहीं चाहता गरीबों की बातें, ये सुनना चाहेंगे, ये आपका मसला हल करेंगे, इसकी मेहरबानी हमारे पे। किस्त हमारी करवाई है और 5 लाख इसने माफ़ करवाया, हमारी ये मदद हुई, पहले हमारे को पता नहीं था। जब से मैंने लीगल एड सोसाइटी वालों के साथ काम करना शुरू किया और उन्होंने मेरे मसले हल किए, तो मेरा डर हर बात से ख़त्म हो गया कि मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। भावड़ी कम्युनिटी के एक गांव रहमतपुर के अंदर आए हैं जो लाड़काना के करीब है। मैं इस वक्त ज़िला खैरपुर में हूं। यहां पे एक हिंदू मेघवार कम्युनिटी है, गांव के उसी मंदिर की छत पे मौजूद हूं। जी ये हमारा लीगल एड खैरपुर ऑफिस है। आज हम लोग सखर आए हुए हैं, हम एक गुरुद्वारे में मौजूद हैं और